वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अलका स्पेशल किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंदौरी पोहा की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स बना लेते हैं इंदौरी पोहा थोड़ा सा अलग तरीके से। तो मैंने यहाँ 250 ग्राम पोहा लिया है और ये मैंने वेजिटेबल सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, आलू, मटर, मूंगफली के दाने। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। तो हमारा ऑयल है वो थोड़ा गरम हो चुका है। तो सबसे पहले हम मूंगफली के दानों को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हल्का सुनहरा होने तक हम मूंगफली के दानों को भुनेंगे। आप देख सकते हो मूंगफली के दाने का कलर थोड़ा चेंज होने लगा है। तो अब चलिए हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे मूंगफली के दानों को निकाल लिया है। तो इसी तेल में हम सौंफ डालेंगे। अब डालेंगे कटे हुए प्याज। अब इसको हम प्याज को थोड़ा चलाएंगे। 2 सेकंड के लिए इसी तरह हम ऑयल में भुनेंगे प्याज को। तो फ्रेंड्स 2 सेकंड हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम कटे हुए आलू डालेंगे। अब डालूंगी इसके अंदर करी पत्ते 15 से 20। इसको भी हम 2 मिनट के लिए भुनेंगे। अब डाल देते हैं हरी मिर्चों को, साथ में मटर भी डाल देते हैं, टमाटर भी डाल देते हैं। अब इनको हम 5 मिनट के लिए भुनेंगे जिससे इनका जो कच्चापन है वो नहीं आएगा, इसलिए हम इनको 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर। अब इनको फिर से हम मिलाएंगे अच्छे से। मसाला डालने के बाद भी हम इनको 2 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे हल्दी का कच्चापन है वो नहीं आएगा। अब डाल देते हैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर। मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे घर में जो इस्तेमाल करते हो वो भी डाल सकते हो। अब इसको हम 2 मिनट की ओर भुनेंगे। तो चलिए अब पोहे को हम भिगो देते हैं। तो 2 मिनट पूरी हो चुके हैं, हमारा मसाला वो एकदम तैयार है। अब इसके अंदर हम पोहे को डाल देते हैं। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पोहे को एक साथ नहीं डालेंगे। अब बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से पोहे को मिला दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी अमचूर पाउडर। मैं यहाँ नींबू का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ।
तो ये हमारा पोहा वो बन के तैयार है। तो चलिए इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर, दिखने में जितना यम्मी है खाने में भी उतना ही बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बने हैं। तो चलिए खाने के लिए गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो मैंने यहाँ प्लेट में पोहे डाल लिए हैं, उसके ऊपर मैं मोटी वाली नमकीन डालूंगी, उसके ऊपर हम मूंगफली के दाने रोस्ट किए हुए डालेंगे और ऊपर से डालेंगे कटे हुए धनिया। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा बनाई गई इंदौरी पोहे की रेसिपी आपको कैसी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं न्यू रेसिपियों के साथ। ओके बाय, थैंक यू की वॉचिंग।